हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमारी पेन ड्राइव काम करना छोड़ दे, चाहे वो विंडो 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 10 में हो, कि जब उसे हम कनेक्ट करते हैं और खोलते हैं तो हमें वो एरर देती है कि यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव एफ बिफोर यू कैन यूज़ इट, डू यू वांट टू फॉर्मेट। तो हमें ये एरर आती है और जब हम फॉर्मेट लगाते हैं इसे, वैसे ये देखो ये 7 GB 8 GB की पेन ड्राइव है, बट यहाँ पे शो हो रही है लगभग 4.35 GB, और जब इसे फॉर्मेट लगाते हैं तो ये हमें ये एरर देती है कि विंडोज वाज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट। तो इस वीडियो में इस पेन ड्राइव को कैसे हम रिपेयर करेंगे ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करके CMD टाइप कीजिए और CMD पे राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसे खोल लीजिए। जब हम रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो हमें ये यूज़र अकाउंट कंट्रोल आता है, हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे डिस्क पार्ट, तो आपने डिस्क स्पेस पार्ट लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे। ओके, तो ये हमारी डिस्क पार्ट कमांड चल चुकी है। जब आपका ये प्रॉम्प्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क पार्ट कमांड चल चुकी है। तो हम सबसे पहली कमांड यूज करेंगे यहाँ पे लिस्ट डिस्क, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी डिस्क, जैसे पहली आ रही है डिस्क 0 ऑनलाइन 1.11 111 GB, और सेकंड आ रही है डिस्क 1 ऑनलाइन, ये कितनी आ रही है 7608 MB। तो ये हमारी पेन ड्राइव है 8 GB की, जबकि विंडो में इसे कितना शो कर रहा था 4.35 GB। तो हम इसे ठीक करेंगे कैसे करना है, तो हमने एक कमांड यूज़ की लिस्ट डिस्क। अब हमारी इस पेन ड्राइव का नंबर क्या है, डिस्क 1। तो सेकंड कमांड आपने क्या करना है कि आप इसे सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट डिस्क 1 के थ्रू, और आप कमांड टाइप करोगे सिलेक्ट डिस्क 1 और इंटर प्रेस कर दोगे, तो आपका आ गया कि हमारी डिस्क 1 सिलेक्टेड। तो हमने चेक कैसे करना है, दोबारा लिस्ट डिस्क कमांड चलाइए, जिस डिस्क के सामने ड्राइव के सामने ये स्टार लग जाएगा उसका मतलब क्या है कि वो आपकी सेलेक्ट है। अब हम इसे करेंगे क्लीन, बट मैं आपसे कहूँगा कि क्लीन करने से पहले अगर आपकी ड्राइव अभी असेसिबल है, उसमें अगर आपका कोई डाटा है आप उसे पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि क्लीन का मतलब क्या है कि हम इसे सारा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसे खाली कर रहे हैं। तो हमने क्लीन टाइप करके इंटर प्रेस कर देना। ओके, तो ये आ गया कि डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। तो हमने फिर अगर देखना है, हम सिलेक्ट डिस्क करके लिस्ट डिस्क करके देख लेंगे कि आपकी ड्राइव आ गई है डिस्क 1, स्टार लगा हुआ है, यही सिलेक्टेड है 7608। अब हमारे पास क्या फ्री कितना आ रहा है 7607, पहले फ्री कितना था यहाँ पे 7608 साइज था और 0 bit byte फ्री था। ओके, तो हमने अगला काम क्या करना है, हम यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करेंगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ओके, और हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये भी आ गया कि सक्सीडेड। नेक्स्ट कमांड क्या है कि हमने जैसे डिस्क सेलेक्ट की थी, अब हम सेलेक्ट करेंगे इस पार्टीशन को, तो आपने अगर शो करना है तो यहाँ पे आप
लिस्ट पार्टीशन से देख लीजिए, तो ये हमारा पार्टीशन वन बन चुका है, ओके, और स्टार लगा हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पर फिर भी ना हो तो आप इसे कैसे सिलेक्ट करोगे? जैसे हमने हमारी डिस्क को सिलेक्ट किया था वही कमांड है, सिलेक्ट पार्टीशन स्पेस वन, तो ये आ गया सिलेक्टेड। उसके बाद हम इसे करेंगे एक्टिव, एक्टिव लिख के एंटर कर दीजिए, तो ये आ गया कि आपका पार्टीशन मार्क्ड हो चुका है करंटली एक्टिव। अब हमने इसे यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट fs, fs क्या है, इसका फाइल सिस्टम है। अगर आपने NTFS में करना है तो यहाँ पे NTFS टाइप करेंगे, अगर आपने इसको FAT32 में करना है तो FAT32 में करोगे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। कई बार हमने इसी पेन ड्राइव को DVR पे भी लगाना होता है, CCTV कैमरों वालों, तो वहाँ पे NTFS वाली जो फॉर्मेटेड पेन ड्राइव होता है उसे कई बार नहीं उठाता, तो इसलिए हम उस केस में इसको FAT32 कर दें। तो लेबल आपने इसका जो भी रखना है, वॉल्यूम लेबल वो आप रख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ABC रख दिया। और उसके बाद ये क्विक, अगर हम क्विक लगाते हैं तो ये क्विक फॉर्मेट कर देगा, मतलब जल्दी जल्दी फॉर्मेट कर देगा, अगर क्विक नहीं लगाते तो नॉर्मल फॉर्मेट होगा। हमारे पास कौन सी कमांड गलत हो गई, फॉर्मेट fs, ये लेबल के स्पेलिंग ये वाले होंगे, है ना, तो ये लेबल है आइडेंटिफिकेशन वाला, जो पहले BLE था वो लेबल होता है कि आपके उसका लेबल क्या है, पद्धर स्ट्रक्चर क्या है, कि वो प्लेन है या उबड़ खाबड़ है। तो ये फॉर्मेटिंग शुरू हो चुकी है, इसे कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे, तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का पता लगता रहे। तो आप जैसे देख रहे हो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड। अब हम इसे क्या करेंगे, ड्राइव लेटर असाइन करेंगे। इसके भी दो मेथड है कि असाइन लेटर इक्वल टू जोन सा भी आपने देना है, जैसे हमारे यहाँ पर, तो वैसे इसने एफ ड्राइव दे दिया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ये एफ पे इसने डिटेक्ट कर लिया पेन ड्राइव को, पर फिर भी आपने जोन सा भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे मैंने जी कर दिया, उसके बाद इंटर प्रेस किया मैंने, तो ये आ गया सक्सेसफुली असाइंड द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट, और ये आपकी पेन ड्राइव का काम हो चुका है। अब हम इसे अगर ब्राउज करके देखते हैं तो ये खुलेगी भी, और जी दिया था, जी दे दिया हमने। बाकी इसका क्या होता है कि आप इस कमांड को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ असाइन लिख के एंटर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है जो भी खाली होता है। तो अब इसने कौन सा असाइन कर दिया, ई, तो ये असाइन स्पेस लेटर स्पेस जो भी देना है, या सिर्फ अकेला असाइन लिख के टाइप कीजिए। तो ये था कि हम अपनी पेन ड्राइव को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, अगर वो फॉर्मेट बार बार मांग रही है, जहाँ वो जब उसे हम खोलते हैं तो वो अंडर साइज शो हो रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने, अगर वो आपकी पेन ड्राइव अभी असेसिबल है, तो सबसे पहले आप उसमें से जो भी डाटा है उसका बैकअप लें।